दोस्तों, अलग अलग ग्रह के अलग अलग अपना चांद है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर एक देश का एक एक चांद होगा? क्या हो अगर धरती पर कभी अंधेरा ही ना हो? क्या हो अगर हमें रात को सड़क पर चलते समय बल्ब की जरूरत ही ना पड़े? क्या ऐसा संभव है कि दिन के जैसे ही रातों में बिना बल्ब के उजाला हो सकता है? चांद हमेशा से ही इंसानों के लिए एक उत्सुकता का विषय बना रहता है, खास करके हम भारतीयों के लिए। यह विज्ञान के मायनों से भी परे है और हमारे शास्त्रों तथा कुरानों में भी इसका जिज्ञासा किया गया है। सोचिए कि सूरज ढलते ही एक कृत्रिम चांद आपकी सेवा में लग जाए, आपको उजाला देने लगे, तो कितना मजा आता। हमारा पड़ोसी देश चीन एक ऐसे ही तकनीक पर सालों से काम कर रहा है। चीन अपना खुद का चांद बनाने में लगा है। उसके दावे के अनुसार इस चांद को 2020 तक इस्तेमाल भी किया जाएगा। चीन के अखबार पिंपल्स डेली के अनुसार चेंगडू इलाके में स्थित एक निजी एयरोस्पेस संस्थान के अधिकारियों ने कहा है कि वे साल 2020 तक पृथ्वी की कक्षा में एक चमकदार सैटेलाइट भेजने की योजना बना रहे हैं, जिससे स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का अर्थ है, चांद जैसे दिखने वाला एक नकली चांद। चाइना डेली के अनुसार यह नकली चांद शीशे की तरह काम करेगा, जो सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंब करके धरती पर भेजेगा। यह धरती से 500 किलोमीटर दूर पर स्थित रहेगा। असली चांद धरती से 380,000 किलोमीटर दूर पर है। यह तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि चांद दिखने में कैसा होगा, पर चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि यह चांद लगभग 80 किलोमीटर की एरिया को रोशन कर पाएगा और असली चांद के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा रोशनी देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस रोशनी को कम या ज़्यादा भी किया जा सकेगा। एगड़ू एरोस्पेस के अधिकारियों की माने तो इस नकली चांद का मकसद पैसा बचाना है। कहने का मतलब है, जितना पैसा स्ट्रीट लाइट पर आता है उसकी तुलना में चांद सस्ता पड़ेगा। पैसे बचाने के साथ साथ प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप तथा बाढ़ जैसे हालत में भी जब बिजली कट जाती है, उस समय भी यह चांद उजाला दे पाएगा। इस नकली चांद का बुरा असर जानवर पर भी पड़ेगा। रात को जागने वाले जानवर इस चांद का शिकार बनेंगे। जो जानवर रात को जगते हैं वो पूरी तरह से आधारित हैं चांद पर। कब जगना है, कब सोना है, सारी की सारी चीज़ें उनका चंद्रमा पर डिपेंड करता है। हमको मालूम है यह असली चांद है और यह नकली चांद है, पर यह बात जानवरों को नहीं मालूम रहेगा, जिससे उनके लाइफ पर बुरा असर पड़ेगा। इससे पहले भी कई देश नकली चांद बनाने की कोशिश की है, पर वह नाकाम रहे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल प्लस सेलेक्ट कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।